नमस्कार आप सभी को मेरा। आज हम इस वीडियो के अंदर फुल बॉडी का योगा आसन करने वाले हैं, जो अगर आप रोज़ योगा करते हैं तो रोज़ हमें दिक्कत आती है कि हम क्या योगा आसन करें, रोज़ रोज़ क्या हम करें। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको आप डेली कौन से योगा आसन कर सकते हैं अपनी पूरी बॉडी के लिए, साथ में जो अगर आपकी एज अगर आप 20 ईयर से भी प्लस के ऊपर आपकी जो भी एज है तो उसके अंदर आप ये आसन आप ईजिली कर सकते हैं। तो जो अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू नहीं है तो ये आसन आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड इस वीडियो के एंड में आप मुझे जरूर जरूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर आपको और भी कोई क्वेरी है जो अगर आपको जानना है या फिर जिसके रिगार्डिंग आप पूछना चाहते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका सॉल्व कर सकूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम हमारी मेट के ऊपर पद्मासन पोजिशन में हम बैठ जाएंगे अच्छे से रिलैक्स होके। तो हम नॉर्मली हम वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, उसके लिए हम हमारे मेट के ऊपर रिलैक्स होके बैठ जाएंगे। अपने दोनों हाथों को हमारे नीज के ऊपर लाएंगे, अपने शोल्डर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे ताकि हम स्पाइन को हम सीधा कर सके। नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट के साथ एक लंबी गहरी सांस अंदर, सांस बाहर की तरफ। सांसों का हमें इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, अपने पूरे फोकस को हमें अपने आसन पे लगाना है ताकि हम अपने आसन को और भी अच्छे से फोकस के साथ कर पाए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इस तरह से हमें 5 मिनट तक एटलीस्ट अपने ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट पे हमें सांसों पे पूरा ध्यान देना है। और इसके बाद हम करेंगे नॉर्मल हमारे जैसे कि वार्म अप के लिए मूवमेंट हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक से स्टार्ट करेंगे, नॉर्मली नेक रोटेशन हम स्टार्ट करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज दोनों तरह से हमें करना है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अब हर एक साइड में 5-5 के एटलीस्ट आप सेट करें। अगेन एंटी क्लॉक वाइज ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। बॉडी को रिलैक्स करते हुए नेक्स्ट हम करेंगे, अपने हाथों को हम आगे की तरफ लाएंगे। नॉर्मल हम स्टार्ट करेंगे, नॉर्मल अपने हाथों को हम रोटेशन में स्टार्ट करेंगे ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट के साथ। अगेन रिवर्स करेंगे इसको, आप एटलीस्ट आप 10-10 सेकंड तक आप ज़रूर करें या 10-10 के आप सेट करें 1-2-3 काउंट करके। अगेन बॉडी को रिलैक्स करते हुए अपने हाथों को अच्छे से ओपन करेंगे एंड अपने हाथों को नीचे की तरफ लाएंगे। अगेन ऊपर की तरफ ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। बॉडी को रिलैक्स करते हुए नेक्स्ट हम करेंगे अपने हाथों को हम शोल्डर को अपने अपनी अंगुलियों को सॉरी हम शोल्डर के ऊपर लाएंगे एंड इनहेल के साथ ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अगेन शोल्डर को पीछे की तरफ ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अगेन शोल्डर को रिलैक्स करते हुए नेक्स्ट हम करेंगे अपने आसन से हम स्टार्ट करेंगे अब। यस, तो अभी हम अपने आसन से को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारी चाइल्ड पोज के अंदर आएंगे, वज्रासन पोजिशन। अपने पैरों को हमें वी शेप में ओपन रखना है। यस, आप भी मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे। वी शेप में हमें पैरों को अच्छे से ओपन करना है। अपने हाथों को हमें रिलैक्स करते हुए आगे की तरफ लेके जाना है। अगेन अपनी पूरी बॉडी को हमें रिलैक्स करना है। नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए होल्ड रखना है 10 सेकंड तक। अगेन अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए हम टेबल टॉप पोजीशन में लाएंगे, अपने पैरों को रिलैक्स करते हुए
नेक्स्ट टर्म करेंगे मार्जरी पोज। उसके लिए हम हमारी गर्दन को पूरा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, एक लंबी गहरी सांस लेते हुए, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अगेन बॉडी को रिलैक्स करते हुए हम एक लंबी गहरी सांस लेते हुए माउंटेन पोज में आएंगे। अपने पैरों को हम पास में लाएंगे नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट के साथ। अपने एक पैर को हम पूरा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अगेन अपने पैर को रिलैक्स करते हुए हम अपने लेग को चेंज करेंगे एंड अपने लेफ्ट पैर को पूरा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। होल्ड रखते हुए रिलैक्स करते हुए हम इस नेक्स्ट टर्म करेंगे। अपनी बॉडी को हम आगे की तरफ लेके जाएंगे फॉरवर्ड एंड अपने नीज को हल्का सा बैंड करते हुए अपने नीज को मूवमेंट हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मली, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ अपनी बॉडी को स्लोली स्लोली हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे एंड अपनी बॉडी को हम अच्छे से रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट हम आसन करेंगे, अपने राइट पैर को हम ऊपर की तरफ लेके आएंगे एंड अपनी चेस्ट के पास लाएंगे एंड बॉडी को हम अच्छे से होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट के साथ। 5 सेकेंड तक हमें होल्ड रखना है। नेक्स्ट हम अपने लेग को चेंज करते हुए अपने लेफ्ट पैर को ऊपर की तरफ लाएंगे, नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। बॉडी को रिलैक्स करते हुए नेक्स्ट हम आसन करेंगे, अपने दोनों हाथों को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे एंड अपने दोनों पैरों को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे एक नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट के साथ, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अगेन बॉडी को रिलैक्स करते हुए हम आफ्टर 10 सेकेंड होल्ड रखने के बाद बॉडी को रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे अपने एक हाथ को अपने राइट हैंड को हम साइड में ले जाते हुए बॉडी को हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, बेंड करेंगे, नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अगेन साइड को चेंज करते हुए 10 सेकेंड तक होल्ड रखना है, साइड चेंज करते हुए नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अगेन बॉडी को रिलैक्स करते हुए अपने हाथ को स्लोली स्लोली नीचे की तरफ लेके आएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे अपने पैरों को अपने लेफ्ट पैर को हम बाहर की तरफ रखेंगे एंड अपने राइट पैर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ एंड बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करेंगे, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अगेन अपने लेग को चेंज करते हुए अपने राइट पैर को आगे की तरफ एंड अपने लेफ्ट पैर को पीछे की तरफ, पोजिशन होल्ड, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अगेन बॉडी को हम अच्छे से रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे वीरभद्रासन वॉरियर 2 पोज। उसके लिए हम हमारे दोनों पैरों को अच्छे से ओपन कर लेंगे एंड अपने राइट पैर को हम थोड़ा सा हल्का सा बैंड करते हुए अपने लेग को हम हल्का सा ट्विस्ट करते हुए अपनी स्पाइन को हम एकदम सीधा रखना है। यहाँ से हमें हल्का सा ट्विस्ट करते हुए अपने दोनों हाथों को हम बाहर की तरफ अच्छे से ओपन करेंगे, नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। बॉडी को रिलैक्स करते हुए अगेन हम बॉडी को रिलैक्स करते हुए अपनी बॉडी को सामने की तरफ लाएंगे एंड नीचे की तरफ बैंड करेंगे हम अच्छे से। अगेन हम बॉडी को नीचे की तरफ लेके आएंगे, प्लैंक पोजीशन होल्ड रखेंगे,
5 सेकंड तक नॉर्मल ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट। अगेन अपने पैरों को हम नीचे की तरफ ले जाते हुए अपने घुटने को नीचे रखते हुए भुजंगासन, नॉर्मल ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट, ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट। नेक्स्ट हम करेंगे अपने राइट पैर को बाहर की तरफ रखेंगे एंड अपने लेफ्ट पैर को हम पूरा अंदर की तरफ लेके आएंगे। इस तरह से हमें पोजीशन बनानी है, पूरा पैर पीछे की तरफ रहेगा हमारा एक पैर, एंड अपने राइट पैर को हम पूरा आगे की तरफ करते हुए अपनी बॉडी को स्लोली स्लोली सामने की तरफ लेके जाएंगे। अगेन बॉडी को रिलैक्स करते हुए हम पद्मासन पोजीशन में बैठ जाएंगे, एक पैर को आगे की तरफ लाएंगे एंड बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करेंगे। तो यहाँ पे आसन हमारे कंप्लीट होते हैं। तो इसके अंदर हमने जाना कि हमारी बॉडी को फुल, हमारी फुल बॉडी योगा आसन हम क्या कर सकते हैं, एंड जो अगर आप रोज़ योगा आसन करते हैं बट आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन से आसन हमें रोज़ करने चाहिए, तो इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड आप उन लोगों को भी शेयर कर सकते हैं जो योगा आसन करना चाहते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, तो उनको भी ये हेल्प मिलेगी, तो आप उन लोगों को शेयर कर सकते हैं। एंड जो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।